आज हम लोग पढ़ेंगे बॉम्बेक्स मौरी सिल्क वॉर्म के बारे में। बॉम्बेक्स मौरी इज़ बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, फैमिली बॉम्बाइसिडी, क्लास इंसेक्टा, जीनस बॉम्बेक्स और स्पीशीज मौरी। बॉम्बेक्स मौरी के लाइफ साइकिल होलो मेटाबोलस, ये क्या है? होलो मेटाबोलस इंसेक्ट है। होलो मेटाबोलस इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब जिसकी जो डेवलपमेंट होता है, जिसकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती है। पहली ओवा, दूसरी लार्वा, तीसरी प्यूपा और चौथी इमेजो। तो जो बॉम्बेक्स मौरी है वो एक होलो मेटाबोलस इंसेक्ट है, अंडरगो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसके अंदर 4 स्टेजेस होती है, पहली ओवा, दूसरी लार्वा, तीसरी प्यूपा और चौथी इमेजो। अबाउट 6 to 8 weeks कंप्लीट 1 generation इज फॉर्म, मतलब 6 to 8 weeks में पूरी 1 generation बन जाती है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इसकी फर्स्ट स्टेज ओवा के बारे में। ठीक है, ओवा जो होती है मीन्स एग। द एग इज़ वेरी स्मॉल एंड हार्ड स्ट्रक्चर अबाउट द साइज ऑफ पिन हेड। जो एग होते हैं जो बॉम्बेक्स मौरी के, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं अबाउट द साइज ऑफ पिन हेड, मतलब छोटी साइज होती है। कहने का मतलब ये, जो फीमेल होती है वो ऑलमोस्ट 200 to 500 एग्स देती है, जो कि लेमन मतलब येलो कलर्ड के होते हैं, दैट ग्रेजुअली डेवलप इनटू द ब्लू ग्रे, जो धीरे धीरे ब्लू ग्रे में, जैसे जैसे मैच्योर होते हैं वैसे वैसे इनका कलर ब्लू ग्रे में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये ओवा धीरे धीरे डेवलप हो जाता है लार्वा में अराउंड 10 to 14 days। दूसरी स्टेज है लार्वा, ओवा के बाद में। लार्वा स्टेज को हम लोग कैटरपिलर भी कहते हैं। ये एक वेजिटेटिव स्टेज है। वेजिटेटिव स्टेज का मतलब क्या है? क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ होती है। ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ होएगी, फिर ग्रोथ होके उसकी साइज़ थोड़ी ओवल शेप में हो जाएगी। तो इस स्टेज में क्या करता है, जो लार्वा बनता है वो मलबेरी लीव्स जो कि शहतूत के पेड़ होते हैं उन पे वो क्या करता है, फेड करता है और उन्हीं जो लीव्स होती है उनको ईट करता है। ठीक है, ईट करने के बाद में अराउंड 4 to 6 weeks वो उनको ईट करता रहता है और फिर उसके बाद में वो प्यूपा में चेंज हो जाता है। तो कैटरपिलर से प्यूपा में चेंज होने के लिए अराउंड 27 days लगते हैं। ठीक है, प्यूपा थर्ड स्टेज है। प्यूपा द कैटरपिलर देन प्यूपेट इट स्पिन ए सिल्क कोकून अराउंड इटसेल्फ। कैटरपिलर के बाद में ये चेंज होता है प्यूपा में। प्यूपा के अंदर क्या होता है, प्यूपा मतलब थोड़ा, मतलब मलबेरी लीव्स को ईट कर करके वो थोड़ा क्या हो गया, राउंड शेप का हो गया। राउंड शेप में धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपनी जो सेलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उसके अंदर, उससे वो थोड़ी से मतलब सिल्क टाइप में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सिक्रेट करेगा अपने चारों ओर। ठीक है, जो एयर के कांटेक्ट में आकर थोड़े रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, द सिल्क कोकून सर्व एज ए प्रोटेक्शन फॉर द प्यूपा। ये एक प्रोटेक्शन का काम भी करता है, जो कोकून, ये हमारा क्या बना है, कोकून बना है जो प्यूपा ने अपने चारों तरफ सिक्रेट किया। कोकून आर द शेड ऑफ वाइट, क्रीम एंड येलो डिपेंडिंग ऑन द सिल्क वॉर्म जेनेटिक्स। आफ्टर ए फाइनल मॉल्ट द लार्वा डेवलप इनटू द ब्राउन काइटिन कवर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड प्यूपा। और धीरे धीरे लार्वा कैटरपिलर धीरे धीरे मैच्योर होके और कंप्लीट प्यूपा में चेंज हो जाता है। चौथी स्टेज है एडल्ट। एडल्ट का मतलब कंप्लीट लार्वा बन चुका है। कंप्लीट लार्वा बन जाएगा इसका मतलब फिर वो अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल में जाएगा। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव स्टेज व्हेन एडल्ट मेट एंड फीमेल लेग्स, वही 300 to 500 एग्स देगी वो। मौत क्या होते हैं, फ्लाइटलेस होते हैं और लैक फंक्शनल माउथ पार्ट, सो अनेबल टू कंज्यूम न्यूट्रिशन। सो इट्स टोटल लाइफ स्पान इज 5 to 7 days ओनली। उसके बाद में सिल्क का प्रोडक्शन। सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है, सिल्क के प्रोडक्शन में हमारे 5 stages होती हैं। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इज हैचिंग। हैचिंग का मतलब क्या होता है कि जो ओवा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ओवा में से क्या निकलेगा, धीरे धीरे मैच्योर होगा, अराउंड 10 to 14 days में लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। लार्वा को एग्जामिन किया जाएगा कि उसमें कोई डिजीज तो नहीं है, एंड इट हैज़ बीन एग्जामिन एंड शोन टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज। सेकेंड स्टेज इज लार्वा फेड करेगा किस पर, मलबेरीज लीव्स को, और इनको ईट करेगा। ईट करने के बाद में वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा। प्यूपा क्या करेगा, अपने चारों तरफ
कोकून एक सिल्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सिक्रेट करेगा, ठीक है। और ये जो कोकून होगा ये एक तरीके से क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग फाइब्रोइन प्रोटीन, प्रोटीन के अलग अलग क्लासेस हैं जिसमें से ये जो प्रोटीन होता है वो होता है फाइब्रोइन प्रोटीन। सिक्रेटेड फॉर्म टू सेलाइवरी ग्लैंड इन द हेड ऑफ द लार्वा एंड द गम कॉल्ड सेरिगेन, मीन्स इसके अंदर जो सिक्रेट होता है ये हमारा फाइब्रोइन प्रोटीन जो सिक्रेट होता है थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर, वो जो प्यूपा होते हैं मतलब कैटरपिलर होता है उसका सेलाइवरी ग्लैंड में से सिक्रेट होता है, ठीक है, इन द हेड जो लार्वा के हेड में प्रेजेंट होती है एंड द गम, और इसके अंदर एक गम होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेरिकिन। सेरिकिन वो होता है जैसे ये दो थ्रेड है इनको आपस में जो ज्वाइन करके रखता है विथ सीमेंट और ज्वाइन द टू फिलामेंट्स टुगेदर। अब ये आपस में ज्वाइन है, अब इन ज्वाइन फिलामेंट्स को हम लोग सिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम लोगों को सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको क्या देते हैं, स्टीम देते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, आर किल्ड बाय स्टीम, ठीक है, और फ्यूमिगेशन टू प्रिवेंट द एडल्ट इमर्जेंस विच वुड कट द सिल्क फिलामेंट। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्यूपा जिससे जो कोकून के अंदर होता है उसको हम लोग स्टीम या फिर फ्यूमिगेशन से किल करते हैं, जिससे क्या होता है एडल्ट जो होता है अंदर उस वो क्या हो जाता है, किल हो जाता है और हमारे पास सिर्फ सिल्क फिलामेंट बच जाता है। अब ये जो आपस में जो इन सिल्क फिलामेंट्स हैं इनको हम लोगों को अलग करना पड़ेगा, इनको अलग करने के लिए हम लोगों को हॉट वाटर में डालते हैं हम इनको टू रिमूव द सेरिकिन, सेरिकिन को रिमूव करने के लिए, ताकि उनमें क्या हो जाए वो अनवांटेड हो जाए, उनमें सिंगल फिलामेंट ही बचे, ठीक है, फ्री फिलामेंट फॉर रीलिंग। रीलिंग का मतलब क्या होता है, रीलिंग का मतलब होता है द कोकून आर कुक्ड इन हॉट वाटर एंड सिल्क फाइबर इज अनवॉन्ट फ्रॉम द कोकून। सिंगल फिलामेंट, अब ये सिंगल फिलामेंट जो बचा है आर ड्रॉन फ्रॉम कोकून इन वाटर बॉल्स एंड कंबाइन टू फॉर्म यार्न, इससे यार्न बन देते हैं, धीरे धीरे सिंगल फिलामेंट्स को कंबाइन करके यार्न का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब यार्न इज ड्रॉन अंडर द टेंशन थ्रू सेवरल गाइस एंड इवेंचुअली वाउंड इनटू द रील्स, ठीक है, और ये रील्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, गाइड्स अलग अलग करके और फिर इनको रील्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये रील्स क्या होती है, धीरे धीरे जो यार्न होता है उनको पैक करते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एक रॉ सिल्क मटेरियल हमारे पास मिल जाता है जो मार्केटिंग के लिए रेडी होता है। तो हम लोग फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने बॉम्बेक्स मोरी के बारे में पढ़ा था, जिसका फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, सब फाइलम मैंडिबुलेटा, क्लास इंसेक्टा, सब क्लास टेरियोगेटा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, जीनस बॉम्बेक्स और स्पीशीज मोरी, फैमिली होती है बॉम्बाइसिडी। लाइफ साइकिल जो होता है ये एक होलो मेटाबोलस इंसेक्ट होता है, मीन्स इसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, चार स्टेजेस होते हैं, ओवा, लार्वा, प्यूपा और इमेज। ओवा वो होते हैं जो हमारे एग होते हैं, फीमेल अराउंड 200 to 500 एग्स देती है, उसके बाद में वो जो एग होता है वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। लार्वा क्या करता है, मलबेरी लीव्स को ईट करके प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। प्यूपा अपने चारों तरफ कोकून का सिक्रेशन करता है और धीरे धीरे वो जब इससे बाहर आ जाता है, इसको तोड़, मतलब इसको जब ये एडल्ट में चेंज आता है तो उसको हम लोग इमेजो कहते हैं। इस पूरी कंप्लीट साइकिल को होने में 6 to 8 weeks लगते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को सिल्क का प्रोडक्शन करना है, मीन्स सिल्क लेना है, तो हमें उस स्टेज को वहीं ख़त्म करना पड़ेगा, मीन्स लार्वा तक, जिसको हम लोग उसको अंदर हॉट वाटर में डालेंगे ताकि जो एडल्ट होता है वो अंदर ही किल हो जाए और हमें क्या मिल जाए, जो कोकून होता है वो मिल जाए सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद में इसके अंदर सेरिकिन प्रोटीन जो हमने पढ़ा कि वो सीमेंट विथ सीमेंट और ज्वाइन द टू फिलामेंट्स टुगेदर, ये आपस में ज्वाइन करके रखता है सेरिकिन, जिसको हम लोग हॉट वाटर में डाल के इनको अनवॉन्ड करते हैं फिलामेंट्स को, ताकि हम लोग सिंगल फिलामेंट्स को यूज़ कर सकें। सिंगल फिलामेंट्स को कंबाइन करके यार्न में कन्वर्ट करते हैं। अब वो जो यार्न होता है वो हमारे मार्केटिंग में अवेलेबल होता है, मीन्स मार्केटिंग में अवेलेबल का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एक रॉ मटेरियल सिल्क का मिल जाता है, जिससे क्लॉथ्स कई टाइप के मटेरियल अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है, जो ये हम लोग बॉम्बेक्स मोरी है, ये मोस्ट वाइडली एंड इंटेंसिवली यूज सिल्क वॉर्म है, मतलब सबसे ज़्यादा जो सिल्क वॉर्म यूज़ किया जाता है सिल्क के प्रोडक्शन के लिए वो बॉम्बेक्स मोरी ही है, ठीक है। और जो हमारे जो सिल्क के जो कल्टिवेशन होता है, सिल्क के कल्टिवेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर कहते हैं। और चाइना इज़ द वर्ल्ड मेन प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क,